ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कल से 3 दिन के अवकाश पर रहेंगे प्रदेश के पटवारी। भिंड जिले में हुए पटवारी पर हमले का विरोध पटवारी संघ कर रहा है। रोहन तहसील में पटवारी पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया था। आरोपियों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर पटवारी संघ हड़ताल माफ कीजिएगा अवकाश पर रहेंगे। कल से 3 दिन के अवकाश पर रहेंगे प्रदेश के पटवारी। आपको बता दें भिंड जिले में पटवारी पर हमले का पटवारी संघ विरोध कर रहा है और जल्द से जल्द आरोपियों गिरफ्तारी की मांग यहां पर की जा रही है। रोहन तहसील में पटवारी पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया था, जिसके विरोध में कल से 3 दिन के अवकाश पर प्रदेश के पटवारी जा रहे हैं। तो भिंड जिले में हुए पटवारी पर हमले का विरोध यहां पर किया जा रहा है। रोहन तहसील में पटवारी पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया था, जिसको लेकर पटवारी संघ विरोध जता रहा है। कल से 3 दिन के अवकाश पर प्रदेश के पटवारी रहेंगे। भिंड जिले में हुए पटवारी पर हमले का विरोध वो जता रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार वो मांग कर रहे हैं। तो कल से 3 दिन के अवकाश पर रहेंगे प्रदेश के पटवारी। आपको बता दें भिंड जिले में पटवारी पर हमले का विरोध जता रहा है पटवारी संघ, और इसी के चलते कल से 3 दिन के अवकाश पर प्रदेश के पटवारी रहेंगे। रोहन तहसील में पटवारी पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया था और उसी हमले का विरोध जता रहे हैं पटवारी। कल से 3 दिन के अवकाश पर पहुंचाएंगे। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग हो रही है। पटवारी संघ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उपेंद्र सिंह जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उपेंद्र जी, शिकायत के मौका देने के लिए जी। उपेंद्र जी, क्या शिकायत के बाद भी आपकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है, आरोपियों गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, इसलिए अवकाश पर जाने की नौबत आ गई? जी हाँ, अभी तक नहीं हुई। उससे सबसे गंभीर मुद्दा ये है, अभी तक तो पटवारी हमारा फील्ड पे सुरक्षित नहीं था जी, और अब तो तहसीलदार कार्यालय में भी सुरक्षित नहीं है। 4 लोगों ने तहसीलदार महोदय की उसमें उपस्थिति में बुरी तरह से जानवरों की तरह पटवारी को पीटा। इतनी सरहंगई हो गई है 4 लोगों ने। उसने खून की उल्टियां जब तक नहीं की तब तक उसको मारा, और हमारे नायब तहसीलदार महोदय भी उसमें आसंदी पे बैठे हुए थे, उन्होंने फोन करके पुलिस तक नहीं बुलाई। और इसके बाद जब हमने हड़ताल का नोटिस दिया तब उसके ऊपर जाके अभी तक में धारा 307 अभी कायम हो पाई है शाम को, और इसके बाद अभी भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ठीक है उपेंद्र जी, 3 दिन की 3 दिन के अवकाश पर जा रहे हैं आप, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो ये अवकाश क्या बढ़ सकता है आपका? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ सकता है, जो बात चल रही है, और हम तो चाह रहे हैं कि सारे लोगों की गिरफ्तारी हो, उनके ऊपर कार्यवाही हो, और कम से कम हमारा कर्मचारी मान सम्मान के साथ काम कर सके। बिल्कुल उपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे पटवारी संघ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, जिसके चलते प्रदेश के पटवारी कल से 3 दिन के अवकाश पर जा रहे हैं। आपको बता दें रोहन तहसील में पटवारी पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया था और जिसका विरोध पटवारी संघ कर रहा है, और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर की जा रही है पटवारी संघ के जरिए।